motivational speech from Dr. Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji. आप सबको बहुत आदर पूर्वक नमस्कार करती हूँ और डॉक्टर गंगा कुमार जी, स्नेह जी, इनका अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कि एक डांसर का इसमें क्या काम, नॉट ओनली फॉर द कैंसर कॉन्फ्रेंस ऑन कैंसर बट कई जगह। तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पुराणों में, उपनिषद में कहा गया, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर आपका वो काम करते रहेंगे, हमें कहा गया हम काम करते रहेंगे, आप बोलते रहिए। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, धर्म का अर्थ यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, जिसको धर्म कहते हैं स्वधर्म, धारयतीति धर्म, कि आपका अपना जो पेशा है, काम है, पैशन है, कर्तव्य है, उसके लिए चाहे आप विचारक हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी कुछ हैं, शरीर ही तो है जिसके द्वारा आप कोई भी काम कर सकते हो, आप साध सकते हो। तो इसीलिए कहा है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ओनली थ्रू द बॉडी यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अब ये शरीर जो है, वहीं से तो बात उठती है कि शरीर से सारा आपका जो सिम्टम्स है वो दिखते हैं। नृत्यकार जो है, हमारा भारतीय परंपरा की जो नृत्य शैलियाँ हैं, नृत्य की जो एक अवधारणा की गई है वो इतनी अद्भुत है कि अभी जो योग पर्व करवाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को, तो एक हफ्ते का योग पर्व मनाया गया संगीत नाटक एकेडमी में, दिल्ली में, और उसकी शुरुआत मेरे उससे हुई, लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन से, और उसका अंत भी उसी से हुआ। मैंने यही कहा कि सहज योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तरह तरह के 16 योग हैं, सबसे ऊपर है नृत्य योग। और नृत्य का अर्थ ताता थे या नाच गाना जैसे हम आज कहते हैं, उससे नहीं है। नृत्य का पर्याय है नटराज शिव, जो हमारा सिंबल है, शिव एज नटराज। उनको न कविराज कहा, न गीतराज कहा, न वैद्यराज कहा, नटराज कहा। क्यों? क्योंकि सारे अंग प्रत्यंग उपांग सर्वांग आपके जब एक बिंदु पे केंद्रित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, तादात्म्यता, तब आपका मन, और जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो सारे शरीर मन आत्मा, आत्मा मन शरीर, एक तोते की तरह बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन असलियत, इन रियलिटी इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, आई वुड से कि नृत्य योग सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ पुराने प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, आज लड़का क्रिकेट खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, लेकिन लड़की नृत्य सीख सकती है। क्यों? जब नटनागर कृष्ण हैं, नटराज शिव हैं, सारे हमारे जितने हो गए बड़े छोटे सब नृत्य सीखते थे। क्यों? अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, राजनीति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नृत्य का इतना बड़ा सम्मान है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप अभी कैंसर की बात चल रही है, सेल्स की बात चल रही है, और ये हमारे अणु परमाणु हैं शरीर में भी, और उनके बारे में कि इनका एक सूत्र है पूरे शरीर मन आत्मा से, वो सूत्र में कहीं खलल पड़ती है इतनी सी भी, जो हमें
महसूस नहीं होती है लेकिन पढ़ती है, तब जाके उसके स्वरूप बदलने लगते हैं, बढ़ता जाता है। तो ये सूत्र कैसे अकबंध रहे, पूर्ण रहे, पूर्णतया स्वस्थ रहे, इसका विचार और उसका काम ऑन ग्राउंड। जैसे कि हमारे यहाँ हम नंगे पांव नाचते हैं, हम लोग जूते तो पहनते नहीं हैं, क्योंकि ये रंगमंच है, सरस्वती का मंदिर है, और जो ऑडियंस है उसको कहा जाता है रसिक सभा या विद्वत सभा। वी डोंट से देयर ऑडियंस, विद्वत सभा, रसिक सभा, तो उनका भी सम्मान है। अब जब पैर आप यूं ठोकते हैं पूरा, या यूं, या एड़ी पर, या ऑन द टोज, कहते हैं ना कि सारे रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स, ये सारे आपके बराबर मसाज मिलता है। आप सिंपल चीज़ नमस्कार करें, यदि क्योंकि आजकल यो, हाय, हेलो, शेक हैंड, क्यों नमस्कार, नमस्ते, नमः ते, नमः ते, दैट विच इज इन एवरीथिंग, कैपिटल THAT, ते, ईश्वर, वो पराशक्ति जो सब चीज में है, चाहे स्थाई अस्थाई जंगम जो भी, चरा चर अचर, आप में भी है। हम कहते हैं ना सभी में ये स्पार्क है, ये चेतना है, महाचेतना, विका परमात्मा आत्मा, ये सब मिला के आप छोटे से एक शब्द में कह दें नमस्ते नमहते, और यहाँ पर आपके जो सारे हैं, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये पंच तत्व को आपने दबाया, आपके सारे ये जो माउंट्स हैं आपने दबाए, ये आपकी नाभि से जुड़ा हुआ है पॉइंट, वो दबाया, और उसके साथ आपने शिव शिवा शिव शक्ति, जो अर्धनारी है, अर्धनारी अर्धनर हम कहते हैं, एवरी वन हैज़ द हॉर्मोन्स, आपने एक एनर्जी सर्कल बनाया और आपने ये अपने पॉइंट्स दबाए, पंच तत्व को याद किया, और सबसे ऊपर आपने अपना ये अहंकार भरा सर नवाया। वहां पे आपकी आत्मशुद्धि हो गई। अहंकार सबसे बड़ा दूषण है, अहंकार सबसे बड़ा दूषण है, बड़ा वजनदार भार है। कहते हैं कि नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो, छोटा ईगो, बड़ा ईगो, अहम अहम, सर नवाने में हम छोटे नहीं हो जाते। यही बात हमारे पूर्वज कह गए कि जो नमस्कार करना है। मैंने परसों ही एक बच्चा तो नहीं, 30 साल का ज्वेलर, बहुत बड़ा काम करता है, उसकी माँ का एग्जीबिशन देखने गई, माँ ने कहा पैर छू, पापड़ा, मैंने कहा बच के रहो, मेरा घुटना बहुत प्रेशियस है, डोंट अटैक माय नी। तो मैंने कहा बेटे पाँव छूना, पाँव तो नीचे है ना, आपको झुकना पड़ेगा, है ना मनीषा जी, पाँव यहाँ तो नहीं है, ये तो पाँव यानी फुट वहाँ। तो फिर बेचारे झुके, लंबे ताड़ बंबू थे, झुके, जीन्स पहनते हैं तो थोड़ी वो भी मुश्किल होती है ना, टाइट होता है, तो यानी मैं फिर से यहाँ पर आती हूँ कि नृत्य योग क्यों बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपका पूरा, मैंने कहा अंग उपांग, आईब्राउज, तरह तरह के उसके मूवमेंट्स हैं। मुझे आज तक 72 साल में एक दिन भी हेडेक नहीं हुआ है, सर दर्द नहीं हुआ है, और मैं 90 देशों में ट्रैवल कर चुकी हूँ। फिर आँखें, चश्मा नहीं अभी तक आया भगवान की, भगवती की दया से, आँखें हमारे पूरे जो, आप बैठे बैठे कीजिए, कौन आपको रोकता है, आपको न जिम में जाना है, न 2000-10000 के वो पैंट खरीदने हैं, आपको आँखें चलानी है, आँखें चलानी है, आँखें चलानी है, आँखें चलानी है, और सांस भर के चलाइए तो और बढ़िया है।
आप मुंह हिलाइए, ये सब कीजिए, बिल्कुल आपका स्वस्थ रहेगा। गला हिलाइए, ये आपका पूरा जो टेंशन है यहाँ पे होता है वो दूर होता जाएगा। हमारी हस्त मुद्राएं जो हैं 28 विद सिंगल हैंड, 24 विद डबल हैंड्स, वो क्या हैं? वही तो हैं कि आप एक एक पताक अत्रि पताक अर्ध पताक कर्तरी मुख अराल शुक तुंड मयूर कटक मुख सूची पद्मकोश अल्ल पद्म सर्प शीर्ष कपित्थ कपित्थ वगैरह 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 वगैरह। ये सारी चीज़ें, कमर हिलाना, सिर्फ वक्ष हिलाना, वक्ष चलन, सारे कितने सारे मूवमेंट्स हैं। मनीषा जी की माता जी बैठी हैं, कहाँ हो सुषमा नानू? हाँ, ये भी तो कथक करती थी, इनका कार्यक्रम हमने करवाया था, है ना? तो आप जानती हैं कि नृत्य का कितना बड़ा योग है। चलिए उससे आगे मैं जल्दी चलती हूँ कि मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, एज अ कंट्री, देश को थोड़ा सा लज्जित तो होना चाहिए कि आज की तारीख में कोई हमें आके कहे कि भाई स्वच्छता अभियान चलाओ, स्वच्छ भारत। आपको दिख नहीं रहा कि चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है, क्यों? तो जैसे मनीषा जी ने कहा, वाणी व्यवहार और वातावरण, इस सब का बहुत ज्यादा संबंध है। मैं अपना घर साफ कर रही हूँ, दूसरा घर गंदा है, मैंने अभी यहाँ थूक दिया, वहां ये कर दिया। गंगा जी सुबह हम गए थे 2 घंटे, अब गंगा, स्वच्छ गंगा की बात हो रही है, वही पवित्र गंगा, वही कुंभ, वही अर्ध कुंभ, वही सिंहस्थ, वही हरिद्वार में स्नान करना, प्रयाग में स्नान करना, ये डुबकी लगाना, बनारस क्या है, इट इज आई थिंक जस्ट रिचुअल है, उसमें कहां प्राण कहां है? गंगा जी का प्राण, गंगा जी सांस लेने के लिए अधीर हैं, हमने उनके लिए सांस की जगह नहीं छोड़ी है। जब वो नहीं सांस ले पा रही हैं, हम कहां सांस लेंगे? तो जैसे आप सब कह रहे हैं कि प्रकृति, नेचर बहुत सेंसिटिव है, वो हमारी माँ है, हमने उनको बहुत दुख दिया है, अभी भी दुख दे रहे हैं, वो फिर भी सहन करती जा रही है, सहन करती जा रही है, पृथ्वी सहन करती जा रही है, और एक यूं करती है तो भूकंप आ जाते हैं, हाय तौबा, हजारों मर गए, नेपाल में क्या हुआ था, अब इंडोनेशिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कैंसर मनुष्य शरीर में है, मनुष्य के मन में है, आत्मा को कैंसर नहीं होता, लेकिन उसी कैंसर को हम अपने वातावरण में भी प्रदूषण के द्वारा, अपने गंदे विचारों के द्वारा, अपनी अनैतिकता, अपनी केयरलेसनेस के द्वारा बढ़ा रहे हैं। सारा फर्ज हमारे ऊपर है, भार हमारे ऊपर है। सो लेट अस, मैं, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोदी जी ने, मेरा ख्याल है कि उनको समझ में आया है द सॉफ्ट पावर एंड द प्रचार प्रसार की जो अभिव्यक्ति की शक्ति है कला में, उनका उनको आभास हो गया। तो आर्ट की दुनिया से उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ वाराणसी में 25 दिसंबर। तो मैंने कहा नेती नेती और पूछ पूछ लो बोलो, कमाल की बात है। तो हमने ये अभियान शुरू किया है आर्ट के द्वारा, हमारे संगीत, हमारे नृत्य, हमारे पपेट्री, हमारा थिएटर, जितने हमारे पास माध्यम है उनके द्वारा, कि स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लेके और मोमबत्ती बांध के फोटो खिंचवाने से नहीं होगी। फोटो ऑफ इज नॉट व्हाट इज वांटेड। आप दिल से अभियान कीजिए, लोगों को बताएं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, पटना में जब घूम रहे हैं या दिल्ली में घूम रहे हैं, बम्बई में घूम रहे हैं, 125 करोड़ का देश तो है, पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई बात करेगा ना? ना कितनी एक एक इतनी सी जगह में यदि 10 लोग रहते हैं और चीख बाय जाओ रहते हैं तो क्या होगा? तो तरह तरह के इसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है कि जितने इसके आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, इश्यूज हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उस पर भी विचार किया जाए। यहाँ पर स्नेह जी और गंगा कुमार जी के स्नेह से इतने लोग आए हैं, तो हम तो एक इतना बिंदु तिल भर भी तो नहीं है।
तो मैं आई तब आपका ये मीडिया वाला सेशन शायद चल रहा था। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और आखिर में मैंने रवीश कुमार को सुना कि गवर्नमेंट, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में और कबड्डी, दैट्स ऑल फाइन, बट शुड दे नॉट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि जो जानलेवा से जानलेवा, उसके लिए आपके पास अभी कौन बोल रहे थे कि इतना सारा करना बाकी है, कब होगा? तो आई वुड सजेस्ट कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना दीजिए, नो प्रॉब्लम। कॉरपोरेट के जो खां हैं सारे, उनको भी तो हिलाइए, उनको जगाइए, उनसे कहिए, है कि नहीं? तो कुछ मेरे विचार ऐसे आए थे। और मैं आपके साथ अंत में, मेरा अपना एक, मुझे कैंसर टचवुड भगवती की कृपा से नहीं हुआ, जैसे मसाज करते हैं अपने आप, ब्रेस्ट कैंसर की बात हुई तो ये जो है लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पर, बगल से शुरू होता है यूजुअली, या यहाँ से अपने आप मसाज करके यहाँ से सारा निकाल देना चाहिए टॉक्सिन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और इट हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने काफ़ी स्पाज में मुझे बुलाते हैं, मैं उनको भी ये समझाती हूँ, बिकॉज मैं डांसर हूँ, 90 देशों में नृत्य, एक एक देश में 5-5 बार भी जा चुकी हूँ। तो अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है, स्वस्थ, स्व में स्थित होना इज स्वस्थ, स्व में स्थित होना स्वस्थ। और दूसरा बड़ा शब्द है ना आरोग्य, अरोग जिसमें रोग नहीं, अशोक जहाँ शोक नहीं। तो ये सारे शब्दों को भी समझना अच्छा है, ये शब्दों से भी एक भावना जुड़ती है। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ पुराने लोगों को याद है, 1974 जर्मनी में ऑटोबान पे, और मैं नृत्य करने गई थी, रात को हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, 4 फेफड़े टूट गए और भी पता नहीं क्या क्या टूटा। इसकी वजह से जर्मनी में डॉक्टर्स ने कहा कि ये डांस तो नहीं कर पाएगी, 2 साल के बाद चले तो बहुत है, नॉर्मली चल सके। और ऑपरेशन का मैंने मना किया, स्टील रॉड, मैं बोल नहीं पा रही थी, तो अंग्रेजी में मुझे पूछा गया, ऑपरेशन स्टील रॉड, आई कुड ओनली डू दैट एंड दे हैड टू टेक माय परमिशन। अदर ऑप्शन वाज टू गिव मी अ प्लास्टर कास्ट, 4 किलो का उस वक्त प्लास्टर कास्ट, गले से लेके यहाँ तक, हिप्स के नीचे तक। और फिर मेरे जर्मन उस वक्त हस्बैंड थे, मॉन्ट्रियल मुझे ले जाया गया बाद में, और 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं आके खड़ी हो गई और मैंने नृत्य किया, और तब से अभी तक कर रही हूँ। तो जैसे मनीषा जी और सब ने कहा कि सर्वोपरि क्या है, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल। आत्मा को किसी ने छुआ नहीं, पकड़ा नहीं, देखा नहीं, चखा नहीं, लेकिन आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, ये तो बहुत ऊंची चीज़ें हैं, हमारे में हैं। तो उस आत्मशक्ति ने मेरे मन को धक्का दिया, यू हैव अ मिशन टू फुलफिल, गॉड्स ग्रेस, धैर्य, विश्वास, श्रद्धा, अपने आप में विश्वास श्रद्धा, उनमें विश्वास श्रद्धा, और नृत्य में विश्वास श्रद्धा, गुरुओं में विश्वास श्रद्धा, उठ के खड़ी हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आत्मा से बात करना, जैसे कहा गया 10 मिनट 5 मिनट बैठो, अपने साथ रहो, ऑल द टाइम यू आर लुकिंग आउट, ऑल द टाइम यू आर खोंस के सुन रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं। आप देखिए बाइसिकल पर जा रहे, एक हाथ हैंडल पे है, भयंकर ट्रैफिक में एक हाथ में देख रहा है, ये क्या पागलपन हो गया है। आप खुद अपने बच्चों में, अपने मित्रों में देखते हैं, हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में दोनों जने अपना ये कर रहे हैं। आई मीन दिस इज अ डिजीज, इट्स नॉट इवन एन एडिक्शन, अब रोग हो गया है ये, और इससे ज्ञान तंतु भी ढीले पड़ते जाते हैं, शिथिल होते हैं, ये प्रूवन है, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है दे आर नॉट गुड, यू कैन नॉट हैव इट फॉर मोर देन 2 or 3 hours एट द मोस्ट। टेलीविजन के सामने बैठ गए तो बैठ गए, कंप्यूटर करें तो कर रहे, मेरे अपने
स्टूडेंट्स में मैं देख रही हूँ द जनरेशनल चेंज, मोटे चश्मे लेकर भी आते हैं इतने इतने बच्चे, और एक वर्ष में दो वर्ष में उनकी आँखों के चश्मे ये सारा करने से हटते हैं, कंधियों हो जाते। वॉट इज दिस? सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दिस, क्योंकि ये सारा कैंसर और ऐसी भयानक बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। एंड विद दिस मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि नृत्य संगीत को नाच गाना न माने। सिर्फ मनीषा जी नाचेंगी, सोनल जी नाचेंगी, फलाना नाचेगा, हम तो जाके देखेंगे। अरे टीवी पे देखा था आपको, आजकल टीवी में नहीं आ रही, आप डांस नहीं करती क्या? सो मैं आपसे हास्य योग की जो बात हुई कि आप हंसते रहें और खुशी से भरपूर प्राणिक जीवन जीते रहें, और रोग कोई भी रोग आपसे हजारों कोस दूर हो, और आप भी दूसरों को निरोगी करने में बहुत सहायता करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। प्रणाम।